आज हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। बंगाल में दोहरे शासन के पश्चात 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, जिसके तहत मुख्य रूप से जो दोहरे शासन की जो विसंगतियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में जो कुशासन था और बढ़ता भ्रष्टाचार, उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। कंपनी के राजनीतिक अधिकारों पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1764 के बाद उसको जो राजनीतिक अधिकार मिले, इससे पहले वो व्यापारिक कंपनी थी, उस पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण स्थापित करने का भी इस एक्ट के माध्यम से एक प्रयास किया गया। तथा भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन था उसका गठन करना और उसमें सुधार करने का प्रयास इस एक्ट के माध्यम से किया गया। इस एक्ट में जो धाराएं थी उन धाराओं में सर्वप्रथम जो बंगाल का शासन था वो गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्यों की परिषद के हवाले कर दिया गया। अब जो बंगाल का शासन देखेंगे उसके लिए गवर्नर जनरल और उसके 4 परिषद बनाएगी, गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों की, वही देखेगी शासन व्यवस्था। और वह बहुमत के द्वारा निर्णय लेगी, अर्थात कोई भी निर्णय होगा इस परिषद के जो बहुमत होगा वो उसके अनुरूप होगा। अर्थात इसमें गवर्नर जनरल को भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। इसके साथ साथ मद्रास और मुंबई के गवर्नरों पर उसका नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। जो ब्रिटेन में, ब्रिटिश भारत में मुंबई, मद्रास और कलकत्ता 3 रेजिडेंसियाँ थी, इनमें मुख्य रूप से बंगाल सर्वाधिक राजनीतिक अधिकार सर्वप्रथम यही मिले, तो इसलिए इसके तहत, इस एक्ट के तहत बम्बई और मद्रास का भी जो नियंत्रण है वहाँ के गवर्नरों का वो गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर में मतदान की शक्ति को सीमाबद्ध किया गया। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य 1,000 पाउंड प्रति वर्ष कमाने या उससे ऊपर वालों को यह अधिकार दिया गया। साथ ही डायरेक्टरों का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया। यह आवश्यक बना दिया गया कि कंपनी से प्राप्त नागरिक एवं सैनिक तथा राजस्व संबंधी सभी सूचनाएं ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार को भेजेगी। कंपनी की जो भी सूचनाएं हैं वो ब्रिटिश सरकार को भेजना अनिवार्य कर दिया गया। इस एक्ट का यह महत्व है कि सर्वप्रथम पहली बार, या इतिहास में कह सकते हैं पहली बार, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप किया तथा निश्चित तथा स्वीकृत रूपरेखा वाली शासन पद्धति को विकसित किया। इससे पूर्व में कोई ऐसा कोई शासन पद्धति विशेष थी नहीं, विकसित किया। और व्यापारिक कंपनी को एक वैधानिक रूप से राजनीतिक अधिकार प्रदान किया गया। व्यापारिक कंपनी थी उसको संसद के माध्यम से एक राजनीतिक अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अतिरिक्त प्रेसिडेंसी प्रशासन पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया। 2 प्रेसिडेंसियाँ थी अन्य, बंगाल के अलावा, कलकत्ता के अलावा मद्रास और बम्बई, उन पर भी गवर्नर जनरल का अधिकार स्थापित कर दिया गया। ब्रिटिश भारत के लिए लिखित संविधान प्रणाली प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम इसमें लिखित संविधान बनाया गया। ब्रिटिश भारत के लिए सर्वप्रथम लिखित संविधान प्रणाली का प्रारंभ हुआ। व्यक्ति के शासन के स्थान पर संस्था के शासन को स्थापित किया गया। इस प्रकार ये रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी उसको एक तरह से रेगुलराइज कर दिया गया।
अर्थात ब्रिटिश सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई और भारत को एक लिखित संविधान प्रथा जो प्रारंभ हुई वो सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुई और संपूर्ण भारत के जो ब्रिटिश क्षेत्र था उनके एकीकरण की प्रक्रिया भी इस एक्ट के माध्यम से प्रारंभ की। अब किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, एक तरह से संस्था जो गवर्नर जनरल उसकी परिषद थी उसका शासन संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर स्थापित कर दिया गया है। इस मायने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था।